बर्तन फोर निकल जाएगी क्या? तो लेट आ जा रहा, लेट के रेस जीतेगा भाईमान। वेलकम बैक टू दी चैनल, वेलकम बैक टू दी न्यू ट्रैक। तो आज हम करने वाले हैं दो बाइक्स का कंपैरिजन टेस्ट। जैसा आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा किन बाइक्स का हम जो है कंपैरिजन टेस्ट करने वाले हैं। तो अपने पास है ऑल न्यू बजाज पल्सर NS 200 2024 में मॉडल, उसी के बगल में खड़ी है यामाहा GR15 वर्जन 4। तो इसका भाई कंपैरिजन तो इससे बनता ही है क्योंकि ये न्यू लॉन्च आई है और ये भैया वर्ल्ड फास्टेस्ट बाइक है R15, यामाहा R15, समझ रहे हो ना। तो इसका कंपैरिजन आज हम करने वाले हैं NS 200 BS6 फेज 2 OBD वाली से, जो कि 2024 एडिशन है। अपडेट्स के बारे में मैंने पहले भी आपको बता ही दिया है कि यहाँ पे LED हेडलैम्प पे अपडेट दिया गया है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिलने वाला है, इसमें आपको नेविगेशन वगैरह देखने को मिलने लगा है अब, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में आता है। यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट अब देखने को मिलेगा, स्मार्ट कनेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, बटन यहाँ पे दे दिया गया है ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए, और ये स्विच में अपडेट दिया गया है जैसा देख सकते हो, पहले नहीं आता था ये LED कुछ इस तरह से है। इंडिकेटर जो है अपडेट कर दिए गए हैं, USD फॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। यहीं R15 V4 की बात कर ले तो यहाँ पे भी आपको USD फॉक्स देखने को मिलने वाले, बाइबरी के डिस्कैलिपर देखने को मिलेंगे, वहाँ पे आपको ग्रेमिका के देखने को मिलने वाले हैं। दोनों बाइक्स में फ्रंट में 100 सेक्शन के टायर मिलेंगे 17 इंचेस के अलॉय के साथ में। रेयर की बात कर लेते तो यहाँ पे आपको 140 सेक्शन टायर देखने को मिलने वाला है, वहाँ पे 130 सेक्शन NS में देखने को मिलने वाला है। वहाँ पे आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको एक मोटर सेंसर देखने को मिलने वाला है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लेते हैं इसकी, तो यहाँ पे एक नेगेटिव डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको सिंगल लेंस और डबल DRL देखने को मिलेंगे, यहाँ पे डबल DRL डबल LED प्रोजेक्टर देखने को मिलने वाले हैं। अगर प्राइस की बात कर लेते हैं तो 1,90,000 रुपये इसका टॉप वेरिएंट पड़ेगा और बेस मॉडल 1,60,000 रुपये का पड़ता है। इसकी R15 की बात कर ले तो ये भाई ओवर प्राइस्ड है, 2,25,000 रुपये की है, लेकिन भाई इसका एवरेज बजाज कभी भी जो है कंप्लीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई लगभग 50 का ये एवरेज निकाल के देती है और वो लगभग 35-40 का एवरेज निकाल के देने वाली है। बाकी दोनों बाइक्स लिक्विड कूल्ड होने वाली हैं। अगर स्पेक्स की बात कर ले तो यहाँ पे 199cc के इंजन के साथ में 24 PS की पावर और अप्रॉक्स 19 Nm टॉर्क देखने को मिलने वाला है। यहीं पे अगर यामाहा R15 की बात कर लेते तो 155cc के इंजन के साथ में 18 PS की पावर और 14 Nm टॉर्क आपके यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। सबसे बड़ी चीज़ जो है यहाँ पे VVA वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 7000 RPM के बाद में, तो ये भाई अलग ही लेवल पे भागती है। और यहाँ पे आपको यामाहा मोटरसाइकिल कंट्रोल देखने को मिलने वाला है। बाकी चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा कमज़ोर होने वाला देख सकते हो, यहाँ पे सब प्लास्टिक है। दोनों बाइक्स में आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलने वाली है, और अगर इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे भाई थोड़ी सी मजबूती आपको देखने को मिलने वाली है, कार्बन फिनिश के साथ मडगार्ड देखने को मिलने वाला है। तो चलो अब इस बैटल को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। बाकी मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। चलो शुरू करते हैं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। मैं चला रहा हूँ पहले बजाज पल्सर NS 200 2024 और अंकित भाई चलाएंगे अपने R15 वर्जन 4 को। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं, लेट्स गो। वाह क्या इनिशियल है भाई, इनिशियल पंच तो खतरनाक है इसका। निकल जाएगी R15 वर्जन 4 से चौथे गियर में 112 कर रही है, देखते हैं वर्जन 4 निकल पाती है कि नहीं निकल पाती है। वॉबलिंग बहुत ज़्यादा है, वर्जन 4 अभी निकल नहीं पाई है, स्विफ्ट स्विमिंग कर रही है पूरा, देखते हैं कितना जाती है। अरे भाई वर्जन 4 गई, 134 पर क्रॉस किया है इसने। बाय बाय YMR5। चलो विंडराज बहुत ज्यादा है, बाय बाय करो अब, बाय बाय। अरे भाई वर्धनपुर निकल जाएगी क्या? भाई निकल गई वर्धनपुर, कहाँ
बराबर दौड़ भाग रही है बरसनपुर भाई, विंडाज बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से टॉप स्पीड नहीं अचीव हो रही है गाइस, देख सकते हो। हाँ मुझे फ़ायदा मिलेगा यहाँ पे थोड़ा सा स्पीडो, इधर देख सकते हो 134 पे वो है, 141 पे वन मैं हूँ। यस न्यू फियर अनलॉक्ड जमान उन 5 से भी ज्यादा मीटर एरर है यहाँ पर, देख सकते हो हॉर्न पाइप निकली जा रही है भाई, बराबर तोड़। चलो यहाँ पर राइडर स्विच करते हैं, राइडर स्विच करके देखते हैं। आपने देखा कि फर्स्ट राउंड में भैया इनिशियल मैनेस निकल गई थी। अबे मीटर एरर पता कितना है, 134 पे तुम थे, 142 पे हम थे, 135 पे तुमको क्रॉस किया, तुम कितने पे थे, 142 पे। अबे आरन 5 से ज्यादा इसमें मीटर एरर है, ज्यादा एरर है भाई, हद से ज्यादा है भाई, 134 पे वो, ये 142 पे। तो गाइस जैसा आपने यहाँ पे देखा कि फर्स्ट राउंड में एनएस इनिशियल में आगे थी, हाँ थोड़ा सा क्रॉस किया लेकिन अभी हमने राइडर स्विच करने के लिए रोक दिया, तो एक बार राइडर स्विच करते हैं, अब देखते हैं रिजल्ट क्या आते हैं। रोकना बनता भी था यार, हाँ क्योंकि बहुत लंबी ड्रैग हो गई थी और हेड टू हेड ही चल रही थी। चलिए गाइस अब देखते हैं क्या होता है। नो डाउट इनिशियल में एनएस अच्छी है आर्बन 5 से, विंडोज बहुत ज़्यादा है, फट के चौराहा हो रही है आर्म पाइप की, लेकिन क्रॉस तो कर देंगे। 136, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, और ये क्रॉस एनएस बाय बाय टाटा खत्म, बाय बाय। यहाँ पे ताबड़तोड़ भाग रही है भाई, अब मैंने कैब मेंटेन कर पाया, अबे भाई आ गई आर्मन पाइप पे, हवा पड़ रही है उसकी, फट के चौराहा हो रही है, लेकिन एनएच 200 नेकेड है, उसके बाद में भी वो आगे निकल रही है, देख सकते हो जैसा आप। हम 39 पे क्रॉस करेंगे, विंड बहुत ज़्यादा लग रही है इधर से, देख सकते हो। आगे आ पाएगी तो आ पाएगी एनएस, नहीं तो नहीं आ पाएगी। ये रही एनएस बगल में लगी हुई गाइस, ये रही वो तो लेटा जा रहा, लेट के रेस जीतेगा भाईमान, चीटिंग चीटिंग गाइस चीटिंग। लाइन आते ही हम एनएस से जीत जाएंगे, क्या गाइस जीत जाएंगे, गाइस जीत जाएंगे, अब कौन जीता, जीता कौन, ऑडियंस किसकी है, ऑडियंस बताएगी कौन जीता। लेकिन बाउंड्री लाइन आते आते मैंने क्रॉस किया था तुम्हें, सो गाइस जैसा आपने देखा इस वजह से गैप मेंटेन हो गया था, लेकिन पता है इस बार बहुत ज्यादा मीटर एरर है, मीटर एरर तो बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा मीटर एरर एनएस में आ चुका है। तो यह बजाज, जो बजाज लवर्स हैं भाई वो देख सकते हैं, मीटर एरर आपने देखा होगा कि कितना है एनएस में,
और कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताना। बाकी यामाहा फैन बॉयज यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, लेकिन अभी इसका एक डैडी खड़ा है वो देख सकते हो पीछे XMR, इसका भी कंपैरिजन अभी करेंगे, इसकी भी वीडियो डालेंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मेरे चैनल पर नए हो तो नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लो सब्सक्राइब करके। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। चलो इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू।